इन फेसर टू आता है करके दे तो सर ये सर्वर एग्जांपल डॉट कॉम सही है या कुछ और लिख दो? जी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने एक सर्वर पे डायरेक्टरी बनाया माई शेयर के नाम पर, ठीक है? हाँ इससे मैं बाहर आ गया बनाकर सर, जो आपने बताया है सर। माई शेयर नाम का फोल्डर भी तो रखिए। हाँ बना दिया, फोल्डर नहीं डायरेक्टरी ना। हाँ डायरेक्टरी, हाँ बना दिया सर, रूट पे बनाया है। इसको क्या दिया हो? सर्वर डॉट एग्जांपल डॉट कॉम क्या दिया हो? माई शेयर है बस। आगे क्या दिया हो? सिर्फ माई शेयर स्लैश स्लैश माई शेयर स्लैश कर दिया। आगे वो नहीं दिए हो? सर्वर नहीं होने दिए, ऐसे तो गलत माना जाएगा। एन एफ एस सेविंग करना भूल गए क्या? नहीं वो आता है, ऑटो भी आता है, ये बनाया मैंने। ठीक है तो एक्सपोर्ट के अंदर कर दिए चेंजेज? हमारे पास डेटा तो यही चाहिए ना आपको। एक्सपोर्ट अंदर में भी जाके क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा ना। कर दिया हूँ ना। क्या किया? माय शेयर start.example.com किया हो? हाँ दोनों है ना एंट्री। हाँ दोनों एंट्री है। ठीक है कह रहे तुम्हारा? मेरा सिस्टम का बता, सिस्टम को नहीं AWS का ही बताओ। हाँ उसी के बताओ। दो मशीन है क्या वहाँ पे AWS में? हाँ मेरे पास दो है, दूसरा भी ऑन कर लो। ऑन है सर। नहीं नहीं दूसरा ऑफ है। तो एक पे सर्वर, ये तो सर्वर बना दिया मैंने, एक पर क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्लाइंट पे इसको माउंट करेंगे ना हम लोग। इस पे एनएफएस इंस्टॉल था? हाँ नया वाला पे? नहीं जो पुराना था। पुराना वाला पे है तो जी स्टार्ट कर दिया है एनएफएस सर्विस? कर दे रहा हूँ बस। उस दिन में कहाँ चेंज किया था बता रहा हूँ। सिस्टम सीटीएल इनेबल एनएफएस ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। सर्वर भी कर दूं? ठीक है। और दूसरा वाला भी पुटी स्टार्ट करो। पुटी स्टार्ट करो। कर रहा हूँ। देखो जी हो गया हो गया। हो गया सर। पता नहीं क्यों नहीं होने दे रहा, एक ही ऑन है मेरे पास सर। छोड़ दो रहने दो, उस दिन शायद करप्ट हो गया था सर, उसी से इसको डिलीट मार देना। ठीक है। देखो तुमने बना दिया ना वहाँ पे? हाँ। और तुम बैटस कर लेना, मैं तेरे दो सौ रुपये मिल सकता हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ आया मैं ये पूछ रहा हूँ ये दोनों तो सेम ही है ना?
भाई सर्वर तो लिखना मैं समझा दे रहा हूँ, तू बाईपास करा रहा है डीएनएस से इसमें, समझ गया? डोमेन का नाम लिखो ना नीचे में, example.com कर दो। क्या लिखा है? डोमेन नेम लिख दे, अब एग्जांपल नीचे लिख दे, सर्वर सर्वर वन डॉट एग्जांपल डॉट कॉम, यही है ना सर? ऐसे ही दे सकते हैं जो भी हो, चाहे एक आईपी होगा उसके आगे होस्ट नेम होगा। सिर्फ आईपी देना हो तो जरूरत नहीं है इसका, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास डीएनएस सर्वर नहीं है। टुटी को रिएक्ट करना सर, सपोज इसमें आपने बोल दिया तो सिर्फ आईपी ले लेना, यहाँ माइक से आता दे दिए, यहाँ आईपी रहेगा तो हमें कोमा के साथ किसी नॉन क्लाइंट को भी देना होगा, वो तो परमिशन है ना रीड राइट। अच्छा ये परमिशन भी दे सकते हैं? हाँ परमिशन तो देना पड़ेगा ना, तो रीड ऑनली नहीं उठाएगा ना। समझ गया, एफ एस टैब में हम देते हैं ना माउंट पॉइंट लास्ट में। सर आप वाला मैसेज कहाँ पर क्या कर, अगर तुमने बाई डिफॉल्ट जो क्या है जो क्लाइंट मशीन है वो ये समझता है कि जो आपने शेयरिंग किया है उसका जो प्रिविलेज है वो एन एफ एस नोबडी है, जबकि रियल में यहाँ पे एन एफ एस नोबडी नहीं है, यहाँ पे रूट था। तो ये चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं नो रूट स्टेटस, ताकि जो रिमोट क्लाइंट है वो इसको एज ए रूट गेट ट्रीट करे। कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे वीडियो कहीं चलने लगा, नहीं होने के ना डेट के साथ बता देंगे और मुझे खतरनाक जैसे दो दिन